तो लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई। बैठक की अध्यक्षता खुद नीतीश कुमार ने किया। तो इससे पहले शुक्रवार की दोपहर में भी सीएम नीतीश दिल्ली पहुंच चुके थे। बैठक सुबह 11:30 बजे से शुरू हुई और माना जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही आगामी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। मीटिंग के बाद पार्टी के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने ऐलान किया है कि अब वह हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। साथ ही बताया कि सीएम नीतीश कुमार 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे।